हेलो एवरीवन, माय नेम इज शेफ रीमा राजकुमार कवड़े। आई वेलकम यू ऑल टू द एक्सक्लूसिव एपिसोड ऑफ बेकिंग विद बेक हेवन, पावर्ड बाय बेक हेवन कन्फेक्शनरी एंड आरिफ लामूल। टुडे वी आर गोइंग टू सी हाउ टू मेक अ थंडाई केक। सो फॉर थंडाई केक वी हैव ऑलरेडी मेक द स्पॉन्ज। दिस इज वेनिला स्पॉन्ज। यू कैन ऑल्सो एड थंडाई सिरप वाइल मेकिंग अ स्पॉन्ज एंड यू कैन बेक देम। एंड आई हैव टेकन योर व्हिप क्रीम। व्हिप क्रीम वुड बी ऑफ एनी ब्रांड योर चॉइस। आई हैव टेकन थंडाई सिरप, ओके, and this is sugar syrup. So first what we are going to do is we are going to layer the cake. So now we are going to cut the sponge. I'm going to place the sponge on the turntable, soaking it with sugar syrup. नॉट मच ऑन द डाउन लेयर, बॉटम लेयर में ज़्यादा शुगर सिरप नहीं डाला है मैंने, बहुत ही कम डाला है। नाउ द थंडाई वुड बी ऑफ योर चॉइस, आप जैसे पसंद करते हो। आप डायरेक्टली भी क्रीम में पूरा मिक्स कर सकते हो। आप इसमें पिस्ता चू भी डाल सकते हो, चॉप करके पिस्ता चू, या कोई भी ड्राई फ्रूट्स जो आपको पसंद है वो डाल सकते हो आप। सो नाउ दिस बॉटम टॉप पार्ट आई एम गोइंग टू प्लेस इट इन द सेंटर। Put some cream. Adding again the syrup. जो gaps है ये मैं feel कर रही हूँ पहले। In this whipped cream, I'm adding this gel color. This is yellow gel color, Bake Heaven gel color. Okay. So now what we are going to do is we have already mixed the gel color into our whipped cream. If you want, you can also add this to the whipped cream, the crush what we have syrup. Sorry. सो दिस इज़ वॉट आई एम डूइंग इज क्रम्बल कोटिंग। क्रम्बल कोटिंग क्यों करते हैं कि जब आपका स्पॉन्ज आप काटते हो और उसमें क्रीम या कुछ लगाते हो आइसिंग, तो साइड से है ना ये जो क्रम्बल्स हो रहे हैं ना ये आते हैं, तो इसको कोट करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो फिर आप केक्स के ऊपर आपके ये आना चालू हो जाते हैं। फॉर दिस यू नीड टू डू अ क्रम्बल कोटिंग। सो क्रम्बल कोटिंग करने के बाद में है ना फ्रिज में रखना पड़ता है इसको, एटलीस्ट 15 मिनट्स या 20 मिनट्स के लिए आपको रखना पड़ता है। बट सिंस वी डोंट हैव टाइम, आई एम नॉट गोइंग टू कीप दिस इनटू अ फ्रिज। आई विल डायरेक्टली स्टार्ट लेयरिंग द केक। तो फिनिशिंग करना मैं तुरंत चालू कर रही हूँ, ठीक है। सो आई एम गोइंग टू यूज़ दिस काइंड ऑफ स्क्रेपर्स यू गेट बेक हेवन्स के पास भी है ऐसे वाले स्क्रेपर्स। सो नाउ वी आर गोइंग टू यूज़ बेक हेवन्स न्यूट्रल ग्लेज एंड येल्लो कलर, दैट इज बेक हेवन्स स्मैश कलर। सो दिस इज बेक हेवन्स न्यूट्रल ग्लेज। सो ये मैंने ऑलरेडी कंटेनर में निकाल के रखा हुआ है। सो नाउ द क्वांटिटी ऑफ दिस इज ऑल डिपेंड अपॉन हाउ मच द केक साइज इज़ योर्स,
मतलब जो जितना भी आपका केक का साइज़ है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना यूज़ कर रहे हो. बट यू डोंट हैव टू यूज़ दिस डायरेक्टली. इफ़ यू आर यूजिंग इट फॉर फ्रूट्स और एनीथिंग, फ्रेश फ्रूट्स का केक बना रहे हो अगर आप, तो उसके लिए अगर आप यूज़ कर रहे हो तो आप डायरेक्टली भी यूज़ कर सकते हो. अदर देन दिस यू नीड टू डाइल्यूट सम वाटर इनटू दिस. So this is the neutral yeast. I'm going to add little water into this. So I've used this yellow color and this neutral glaze. Okay, so yellow color I'm just adding for a color. It's already yellow, the cake is already yellow, but still I'm adding little bit more. To add some Bake Heaven glaze, a glitter color into this. So this I am adding because you know when you will finish off this cake with this glazing part, it will give a nice shine. So let's pour this on your cake and I'll show you. So now I am going to remove this cake on my board. Don't try to put anything flowers or anything on this cake, because if you'll put any cream part on this, it will just flow down. If you wanted to put anything like flowers and anything, so leave the center part and then drip it from the edges and all. Leave the center part so that you can add any flowers or characters or whatever you wanted to make from cream. अगर आप इसके ऊपर directly डालोगे cream, तो वो direct flow हो जाएगी, क्योंकि ये gel है ना, तो flow हो जाएगा वो उसके हिसाब से. तो इसके जो बॉर्डर्स है ये थोड़े इवन अच्छा लगने के लिए आई एम गिविंग दिस पाइपिंग. सो यू कैन सी हमने जो ग्लिटर डाला था उसकी वजह से इस पर एक अलग शाइन आया है. तो आप अगर गोल्डन यूज करना चाहते हो तो आई हैव जस्ट फिनिश ऑफ माय पाइपिंग पार्ट फॉर द बॉटम लेयर लाइक फॉर एजेस. नाउ यू कैन सी द केक इज कम्प्लीट. बट इफ़ यू फील दैट इट इज़ यू नो फ्रॉम अबाव, अगर आपको कुछ डालना है गार्निश के लिए, तो माई सजेशन वुड बी गो फॉर चॉकलेट गार्निशेज और समथिंग लाइक दिस, बिकॉज इफ़ यू विल पुट एनी फ्लावर्स ऑन दिस, सो देर आर चांसेज दैट इट विल फ्लो डाउन. ओके, बट यू कैन सी द शाइन ऑन द केक, इट इज़ लुकिंग एज इट इज़ प्रिटी. Here is our Thandai cake ready. We have used Bake Heaven's products, that is Bake Heaven Neutral Gel, Bake Heaven Yellow Color and Bake Heaven Shimmers. Please do like, comment, share and subscribe our YouTube channel. Thank you.